गोंडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बयान, अयोध्या का विकास गोंडा तक आ रहा, बोले सपा और कांग्रेस के लोग राम मंदिर का निर्माण नहीं कराते। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोंडा में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मुझे अयोध्या में श्री राम के विराजमान होने के बाद पहली बार गोंडा आने का मौका मिला। अयोध्या में हो रहे सर्वाधिक विकास का किसी को लाभ होगा तो केवल गोंडा जिला है। होली के पहले यहां 1700 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास करने जा रहा हूं। उन्होंने आगे कहा, देश में अब नक्सलवाद समाप्त हो गया है, मोदी जी को तीसरा कार्यकाल दीजिए, भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है, विकसित यूपी के लिए अविकसित गोंडा आवश्यक है। अयोध्या से गोंडा को 4 लेन से जोड़ने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। पहले आप लोगों ने जिन लोगों को वोट दिया वो लोग को त्योहार आता था तो कर्फ्यू लगा देते थे, किसानों की फसलों को बर्बाद करने का काम करते थे, नौजवान को लूटते थे। आज अब सुरक्षित है, किसी को कोई डर नहीं है। महाराजा देवी बख्श सिंह ने 1857 में आजादी का मोर्चा संभाला था। आज इस मेडिकल कॉलेज का नाम उनके नाम करता हूँ। सीएम योगी ने यहाँ स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय का उद्घाटन किया। यह 212 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। गोंडा मिश्रौलिया रेलवे ओवरब्रिज गया है और गोंडा मिश्रौलिया रेलवे ओवरब्रिज का उद्घाटन किया है, वह 112 करोड़ रुपए की लागत से बनाया है। गोंडा में मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन होने से लखनऊ और अन्य जगहों पर इलाज करने जाने वाले मरीजों को अब दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। 100 MBBS की सीटों पर यह पहला अप्रैल सत्र से पढ़ाई शुरू हो जाएगी। गोंडा को हम 4 लेन की कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए, अयोध्या से जोड़ने की एक बड़ी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं और 84 कोसी परिक्रमा का मार्ग पर 8000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 8000 करोड़ रुपए, 8000 करोड़ में आपका गोंडा जनपद भी आता है। बहनों भाइयों, विकास ऐसे आगे बढ़ता है, विकास के लिए उस प्रकार का कार्य और उस प्रकार के लोग, आप अनुमान करिए आपके एक वोट ने कैसे देश की तकदीर को बदल के रख दिया। पहले भी आप वोट देते थे, जिन लोगों के लिए वोट देते थे, जिनको वोट देते थे उनको राम के नाम से भय होता था, राम के नाम लेने में ही संकोच होता था। आपका पर्व और त्योहार आता था वे कर्फ्यू लगा देते थे, अराजकता फैलाते थे, आपकी आस्था पर प्रहार करते थे, आप ही का वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल करते थे, आपकी सुरक्षा में सेंध लगवाते थे, नौजवानों के रोजगार में सेंध लगाते थे, किसानों की खुशहाली को रौंदने का कार्य करते थे, व्यापारियों के यहां डकैती डलवाते थे। लेकिन आज बेटी और व्यापारी सुरक्षित हुआ है, आज डबल इंजन की सरकार है तो आपकी आस्था को भी सम्मान है। डबल इंजन की सरकार है, नौजवानों के लिए नौकरी की व्यवस्था। इससे पहले मैं गोंडा में आने के पहले लगभग 100 नौजवानों को डिप्टी एसपी और डिप्टी कलेक्टर का नियुक्ति पत्र वितरण करके लखनऊ से आया हूं। ये उत्तर प्रदेश के नौजवान आज उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग जनपदों के नियुक्ति प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की बेहतरीन सेवा में जा रहे हैं, अग्रणी सेवा में जा रहे हैं। इसलिए जा रहे हैं क्योंकि सरकार संवेदनशील तरीके से उनके विकास के लिए कार्य कर रही है। और आज जब हम यहां पर आए हैं, आजादी के अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री मोदी जी ने हर भारतवासी को जोड़ा था हर घर तिरंगा के माध्यम से, और 1857 के महान क्रांतिकारी, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, महान योद्धा देवी बख्श सिंह जी ने गोंडा में मोर्चा संभाला था। आज यहां के मेडिकल कॉलेज का नामकरण हम महाराजा देवी बख्श सिंह जी के नाम पर ही करने की घोषणा भी कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मेडिकल कॉलेज में उनकी प्रतिमा लगेगी, 1857 का उनका इतिहास लिखा जाएगा और उनके इतिहास के साथ आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी होगी। आजादी के बंदों को, भारत माता की सही सेवा करने वालों को ये भारत इसी प्रकार से सम्मान देगा। किसी के नाम पे मेडिकल कॉलेज होगा, किसी के नाम पर इंजीनियरिंग कॉलेज होगा, किसी के नाम पर पॉलिटेक्निक होगा, किसी के नाम पर कॉलेजेज के नाम होंगे, किन्हीं के नाम पर हाईवे और एक्सप्रेसवे के नाम होंगे, और उन्हें सम्मानित करके आने वाली पीढ़ी बार 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 प्रेरणा प्राप्त करती रहेगी। और आज मुझे गोंडा में आकर के इन सब चीजों से बहुत प्रसन्नता हुई। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले गोंडा की स्थिति क्या थी? गोंडा जब स्वच्छता का सर्वे आया था 2017 में,
वह 15-16 का था, सबसे गंदा शहर गोंडा था। तब मैंने प्रतीक भूषण को कहा था, मैंने कहा विधायक बने हो, जनता जनार्दन ने आशीर्वाद दिया है, गोंडा को स्वच्छ शहर के रूप में स्थापित करो। और इन्होंने उस समय प्रयास प्रारंभ किया, आज गोंडा साफ दिखाई देता है। और मैं कहूंगा हमें अपने जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। मैं यहां के जनप्रतिनिधियों का अभिनंदन करूंगा, जब भी आते हैं गोंडा के विकास के बारे में बात करने के लिए आते हैं। मैं बल्कि कभी कभी झड़कता हूं यार कि तुम हमेशा विकास के बारे में बात करते हो। कहते हैं साहब जनता ने इसी के लिए चुना, इसीलिए आए हैं। और मुझ पर तो ये लोग ऐसे मानते हैं जैसे घर का व्यक्ति हो, तो झगड़ा भी करते हैं। कहते हैं नहीं हमें तो चाहिए ये कार, जितना विकास। और मैं फिर आज आपको कहने